लोकसभा चुनाव समाप्त होने व उसके परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेताओं द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाने पर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओम प्रकाश चौधरी ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस मानसिक हताशा, निराशा और इस त्रासदी का शिकार होकर चल रही है। इस मानसिक हताशा में अनर्गल बोल कांग्रेस के नेताओं द्वारा बोला जा रहा है। मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये जब चुनाव जीतते हैं तो सब ठीक रहता है और जब ये चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और चिल्लाते हैं। दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति जब ईवीएम को हैक नहीं कर सकता, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, तो कांग्रेस अनावश्यक रूप से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। कांग्रेस मानसिक हताशा, निराशा और इस त्रासदी का शिकार होकर चल रही है। इस मानसिक हताशा में अनर्गल बोल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किए जा रहे हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब ये जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाता है और जब हार होती है तो ईवीएम ईवीएम करके चिल्लाने लगते हैं। पूरे देश और दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति उसे जब हैक नहीं कर सकता, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, तो अनावश्यक कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगर हमको पिछले बार से कम सीटें मिली हैं तो ईवीएम पे कंट्रोल रहता तो 80-80 सीट जीत जाते। इस तरह के बकवास बातें कांग्रेस को भारत के महान परंपराओं के लोकतंत्र में शोभा नहीं देती। दामोदर साहू जी को इस तरह के अनर्गल बयानबाजी से बाज आता।